हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आज पुणे जा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है। मेरा भाई बोला आ जा यहाँ पे, एक मतलब एक लेडीज़ चाहिए यहाँ पे, मतलब मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है। उस पेट में प्रॉब्लम था, मतलब मैं आपको नहीं बताऊँगी, तो प्रॉब्लम था पेट में ही था। वो बोलते हैं पथरी ये सब कुछ स्टोन मतलब होता है, तो वो सब था। तो बोले बोले क्या ऑपरेशन होगा, तो एक लेडीज़ चाहिए ना हॉस्पिटल में, तो तू आ जाए। मेरे भाई यही बोला, तो फिर मैं बोले चलो ठीक है। तो मुझे जल्दी सुबह सुबह में हाँ जल्दी जल्दी फिर निकली जल्दी जल्दी, और फिर मुझे भी ट्रेन पे हैं तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। शुरू में बोल नहीं पाई, स्टार्ट में घर पर बोल नहीं पाई, इसलिए मैं इधर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखिए मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए मम्मी बेड पर है, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है, अभी इस पर पानी मतलब पानी में चढ़ रही है, सलाइन चढ़ रहे हैं। भाई बेड पे लिटाए हैं, नाइटी वाइटी पहना के साड़ी और बोले साड़ी हॉस्पिटल में साड़ी चेंज करवा देते हैं ना, नाइटी पहनाते हैं। तो फिर देखिए मम्मी लेटी है अभी। फिर देखिए ऑपरेशन हो चुका। अब मैंने थोड़ा सा और वीडियो बनाई क्योंकि हॉस्पिटल में वीडियो बनाना मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे तो मशीन लगा हुआ था, उसके अंदर देखते हैं ना बीपी सब ये सब वो। और ये मेरे भाई वीडियो दिखा रहा है मम्मी को, मम्मी बोल रही थी मेरा पैर नहीं उठ रहा है ऐसा वैसा, मतलब कुछ बांध के रखे। तो मेरे भाई बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए मैं घर पहुंच गई। ये भी देखिए हम बिल्ली था तो मुझे बिल्ली अच्छी लगी, घर पर बार बार आती थी तो मैं थोड़ा इसका वीडियो बना ली। तो फिर देखिए हम लोग ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर इसमें मतलब लिफ्ट में चढ़े थे, तो लिफ्ट में हम लोग को मज़ा आ रहा था। तो हम लोग क्या किए मतलब बोला वीडियो बनाना मम्मी, तो फिर मेरा भाई छोटा वाला भाई वीडियो बना रहा था। तो देखिए आप देख सकते हैं वीडियो बना रहा है। और फिर देखिए वहाँ पे हम लोग घर पे आ गए। तो रात को मैच चल रही थी पुणे में, तो सॉरी सॉरी अहमदाबाद में चल रही थी मैच। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या बाहर में रोड पे पर्दा लगा के होते हैं ना, पर्दा लगा के फिर क्या बोलते हैं उसको, उसे अरे क्या बोलते हैं ऐसे करके हो रहा था, मैच हो रहा था वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ से छत के ऊपर से मैच देख रहे थे उसके अंदर ही, और बाद में फिर जितना हुआ हम लोग देखे इतना बड़ा। और फिर मैं तो आ गई, मुझे इतना मतलब दिक्कत नहीं है, बस वीडियो बनाने के चली गई देखने के लिए। सबको मज़ा से मैच देख रहे थे, तो फिर मैच देखते देखते मैंने वीडियो बना लिए थोड़ा सा। और फिर बिल्कुल थोड़ा वीडियो रुक चुका था, मतलब कोई आ गया था इसलिए वीडियो रोक दी थी। तो आप देख सकते हैं सबको मतलब कितना भीड़, मतलब पटाखा वटाखा पूरे झंडा फहरा रहे थे, और पाकिस्तान वाले को मतलब गाली भी दे रहे थे। तो वो वॉइस में नहीं मतलब दिखाई, आपको वो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे कॉपीराइट आ जाता है बाहर का वॉइस से, तो इसलिए मैं अंदर का मतलब वॉइस नहीं दिखाई, बस मैं अपने मुँह से बता रही। देखिए आप देख सकते कितना साफ दिख रहा है मैच हो रहा है, जो अच्छा है वहाँ मतलब पुणे में अच्छा है, जहाँ पर मतलब मेरे भाई का मतलब घर है रूम है, तो वहाँ पर वहाँ से अच्छा दिखता है। फिर आ गए दशहरे के दिन। फिर दशहरे में देखिए मतलब आगमन मतलब पहली पूजा में जब दुर्गा माँ आती है तब का देखिए इतना अच्छा सीन है यहाँ पे। देखिए सब दुर्गा माँ वहाँ पे, तो वहाँ पे गाड़ी से आ रही है, तो यहाँ पे गाड़ी के ऊपर मतलब मूर्ति है। यहाँ सब देखिए मतलब महाराष्ट्र में मराठी लोग मतलब ढोलक वोलक नगाड़े सब बजाते हैं, देख सकते हैं आप कितने अच्छे सब मतलब सब खड़े हैं ढोलक बजाने के लिए। सब मतलब एक साइड ड्रेस पहन लेते हैं और मतलब मज़ा बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैं ऊपर में थी तो फिर मुझे मैं बोली क्या हो रहा है सब, ये तो पता नहीं था। तो एक लेडी से बोली आओ देखो, मैं बोली क्यों क्या हुआ, बोला मतलब दुर्गा माँ नहीं आएगी, बोले हाँ आएगी ना तो आ रही है इसलिए ढोलक बज रहा है, बोले हाँ, बोले हाँ चलो तब तुम भी आओ देख लो, बोले ठीक है तो मैं आती हूँ। तो मैं भी नीचे आ गई, फिर सब कुछ मैं भी देखने लगी, बहुत मज़ा आ रहा था। लड़की लोग इतना अच्छा ढोलक बजा रहे थे, लड़की से एकदम दब लगा लग ढोलक बजा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था क्या बताएं। तो मैंने महाराष्ट्र का भी मतलब दुर्गा पूजा देख लिया। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सजाया है, वहाँ पे मूर्ति बैठती है दुर्गा माँ, उधर अभी गाड़ी पे है मूर्ति उनकी, तो इधर मतलब ढोलक ढोलक वोलक बजा के दुर्गा माँ का आगमन होता है। तो देखिए यहाँ पे आगमन हो रहा है, ढोलक वोलक बज रहे हैं, और सब मतलब महाराष्ट्र में सब एक ऐसा कपड़ा पहन के तैयार होकर। देखिए ये लड़की इतना अच्छा कपड़ा पहनी है, साड़ी लड़की है, साधा नहीं है लड़की, घर ले साड़ी लाठी वाला साड़ी पहन के नथ पहन के अच्छा तैयार होकर आई है। यहाँ पे गरबा मतलब खेलेंगे, अब पता है यहाँ पे गरबा भी होता है लेकिन अपना तरीका से होता है, गरबा नहीं डांडिया होता है, डांडिया के साथ फिर अपने मन से जैसे डांडिया खेलना है खेलो, गरबा खेलना है खेलो, ऐसा है बस गरबा नहीं ज़्यादा डांडिया होता है। सब अपने मतलब छोटे छोटे बच्चे बड़े सब मतलब यहाँ पे डांडिया खेलते हैं गरबा खेलते हैं इसी रोड पे। तो मैं ऊपर से देखती हूँ नीचे भी आके देखती हूँ, तभी सब मतलब आगे खड़े हैं, अभी प्लानिंग ही बना रहे हैं कि बजाना अब धीरे धीरे मतलब बजा रहे हैं धीरे धीरे, बोल भी रहे हैं मतलब जय श्री राम क्या नाम बजरंग बोली ऐसे कुछ कुछ बोल रहे थे, मुझे याद नहीं है, मैं भाई सबको तो मतलब आवाज़ था तो बोले हमको पेट आ जाएगा ना, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ आपको। तो
तो ये सब बोल रहे थे और भी जय हम लोग जय जय कर रहे थे, ढोलक बज रहा था, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। झंडा जो दिख रहा है आपको, झंडा ऊँचा से मतलब उठाते हैं ऐसे ऊपर नीचे करते हैं और बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब बहुत भीड़ हो गया था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। तो पूरा देखिए बहुत भीड़ जमा हो चुका है और मैं इस साइड में खड़ी हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो हम देख सकते हैं सब, देखिए ढोलक बजाने लगे सब, कुछ बोल बोल के कुछ बोल रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है महाराष्ट्र ना, तो मुझे उतना पता नहीं है, पर कुछ बोल रहे थे शायद, कुछ बोल तो रहे थे ऐसा, फिर सबको ढोलक बजा रहे थे। मतलब ऐसा मतलब महाराष्ट्र में ऐसा है ना, मतलब आगमन हो रही, दुर्गा माँ का आगमन हो रहा है ना, मतलब ऐसा गाना गाते हैं हम लोग, ऐसा मतलब ढोलक बजाते हैं, जैसे झंडा ऊपर गया नीचे आया वैसे ढोलक बजा, मतलब ताल पे ताल मिला के ऐसे, झंडा ऊपर गया हाथ से ढोलक बजा, नीचे आया तो ढोलक बजा, ऐसा मतलब ताल में ताल मिला के ढोलक बजाते हैं। तो बहुत मतलब हमको बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो दुख में आई थी लेकिन मतलब खुशी में ना के गई, मुझे ये सब देख के बहुत मज़ा आया। मम्मी को पसंद तो दुख ही था ना, तो फिर मैंने खुशी मिला मन में, जब दशहरे में सब देखी बहुत मज़ा आया। वहाँ पे दशहरा नहीं मतलब पहली पूजा थी उस दिन, नवरात्रि का शुरू का आगमन उस दिन मेरा फास्टिंग था, तो फिर नीचे जाते मैं, मतलब हम लोग पता है हम लोग पहली पूजा शुरू दिन मनाते हैं ना, पहली पूजा उस दिन गम आती है रात को 12 बजे आती है, पहली पूजा के पहले आती है। तो यहाँ के साथ क्या हुआ, पहले पूजा के बाद दुर्गा माँ आई थी यहाँ पे, मूर्ति आया था, पता सब क्या लगा पता यहाँ पे, मतलब हम लोग क्या होता है हम लोग की बिहार में, दुर्गा माँ का मतलब मुँह नहीं खोलते जब तक अष्टमी ना आ जाए, पता यहाँ पे क्या हुआ था, महाराष्ट्र में मुँह पहले से खोल के रखते हैं यहाँ पे, तो पूरा मुँह ओपन था, पूरा फेस दिख रहा था दुर्गा माँ का। तो हम लोग देखिए अब देख सकते हैं, अब झंडा ऊपर नीचे कर रहा है, सब ढोलक बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, बहुत मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किस तरह सबको, देखिए अब झंडा ऊपर नीचे कर रहे हैं, उस तरह ढोलक बज रहा है उसी ताल पे, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय, मतलब मैं बहुत इंजॉय करी भी, दुख में आए थे लेकिन बाद में मुझे बहुत खुशी मिला, बहुत अच्छा मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ दुर्गा उत्सव ऐसा कुछ लिखा था ना वहाँ पर, मतलब बोर्ड में लिखा था वहाँ पर नव दुर्गा उत्सव ऐसा कुछ लिखा था बोर्ड में, भूल गई हूँ क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे ढोलक बज रहा है, अब देखिए हाँ नवरात्रोत्सव हाँ ऐसा लिखा है। देखिए लड़की लोग कैसे ढोलक दम लाग लग जा रही है, ये लड़की बहुत अच्छा लग, छोटी है पर कितना अच्छा ढोलक बजा रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को, ज़्यादा मैं इसी को देख रही थी। तो सब देखिए लड़की सब ढोलक बजा रही है, महाराष्ट्र में इस तरह दुर्गा आगमन होता है। तो मैंने तो बिहार का देखा था, गुजरात का भी देखा, गुजरात का गुजरात में गरबा फेमस है, और मैंने फिर यहाँ पहली बार महाराष्ट्र का भी दुर्गा पूजा देख लिया, दुर्गा माँ कैसे आगमन होती है, कैसे गरबा होता है, सब कुछ मैंने देख लिया, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। और देखिए कैसे झंडा फहरा रहा है, झंडा ऊपर नीचे, जय बजरंग बली, जय श्री राम, और मतलब महादेव जी की सब कुछ, मतलब बहुत सारा बोल रहे थे, सबको पता है, सबको अपना अपना आई कार्ड पहन के आए हैं, ढोलक बजा रहे, तब इन लोग मतलब डिपार्ट होंगे, डिपार्ट के अंदर सब मिल के आए हैं और अपना काम कर रहे हैं, ढोलक बजाना काम होगा इनका, हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन किस तरह ढोलक बजा रहे हैं, बहुत मस्त ढोलक बजा रहे हैं इन लोग, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है ये देखिए। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय।